माय बर्थडे सॉन्ग, माय बर्थडे सॉन्ग जो टाइटल है वो फिल्म के ट्रेलर ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमने देखा है कि बर्थडे पार्टी से ये स्टार्ट, क्या इसलिए नाम रखा गया या आप लोग? मेनली उसी पे है कि जो फिल्म है वो जो मेन किरदार है राजीव कौल का जो संजय निभा रहे हैं उसका 40वां जन्मदिन है और उस दिन में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिससे उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बदल जाता है तो जाहिर है कि बर्थडे उसी पे है, मतलब तभी टाइटल में बर्थडे है। सॉन्ग इसलिए कि क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें आपके सोच से आपके दिमाग से खेला जाता है तो अक्सर इंसान सोचता है यार बर्थडे सॉन्ग कोई अच्छा वो लाइट होगा तो ये थोड़ा उसके साथ खेल है। जैसे आप पोस्टर में देखेंगे काफ़ी गंभीर है, सीरियस है, ट्रेलर सीरियस है मगर नाम थोड़ा हट गया तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। वही समीर ने टाइटल बर्थडे सॉन्ग चुना था और इसकी कहानी बहुत लंबी है अगर मैं छोटे में कहूँ कि एक अंग्रेजी में लफ्ज़ है रेक्विम। सो वो जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ एक वो सॉन्ग या वो हिम वो सुनने को मिलता है। सो यहाँ वैसा कुछ नहीं है लेकिन एक एक बर्थडे जो 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 घटना घटती है सो उसने कहा क्यों ना वैसा रेक्विम, बर्थडे रेक्विम हो तो बहुत कठिन हो जाएगा लोगों को सुनना तो बर्थडे सॉन्ग। और उसमें मैंने थोड़ा सा छोटा सा माय जोड़ दिया क्योंकि ये किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसकी कहानी है, उसके साथ जो हो रहा है तो पर्सनलाइज करने के लिए तो ये माय बर्थडे सॉन्ग वहाँ इसका जन्म हुआ। सर को प्रोड्यूसर भी हूँ सर, आप भूलिए ना सर, हालांकि सारा कुछ इन्होंने संभाला है, मैंने सिर्फ सीखा है इनके से मगर हाँ कहने को मैं भी प्रोड्यूसर हूँ। जरूर देखिए जो मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं ज़्यादा प्लानिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, जो दिल से आवाज़ आती है मैं उस पर विश्वास करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ क्योंकि ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाता है। आप चल के सोच के बैठेंगे यार मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं फलां फलां के साथ करूँगा, ये करूँगा, वो आप बस फिर सोचते रह जाएंगे। मैंने एक कहानी लिखी थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, मैंने कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा था। कहानी लिखना सोचना मेरे हिसाब से हर एक इंसान के अंदर एक लेखक होता है, कोई ना कहानियाँ सोचता रहता है तो ये कहानी मेरे दिल में रह गई काफ़ी सालों तक। और फिर मैं लोगों से शेयर करने लगा यार अगर ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो तो सब बहुत तारीफ़ करें। तो मैंने कहा भाई कोई इंडस्ट्री वाले से भी पूछ लेते हैं, प्रोफेशनल से दोस्त तो अपनी करेंगे तारीफ़। तो करण जौहर साहब के पास गया तो मैंने कहा उनको कहानी सुनाई, उनका पहला रिएक्शन था भाई समीर तुम्हें ये फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। सोचा भी नहीं, मैंने कहा यार मैंने तो कभी डायरेक्ट भी नहीं किया, असिस्ट भी नहीं किया। कहते नहीं तुमने जो कहानी सुनाई मुझे पूरी नज़र आ गई तो तुम डायरेक्ट करो उस फिल्म को, और मगर धर्मा ऐसी फिल्में नहीं बनाता है तो हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो वो दिमाग में बात आ गई, मैंने कहा यार देखो अगर ज़िंदगी में कभी डायरेक्ट करना है मुझे कभी तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरी अपनी कहानी है। क्योंकि आप अपनी कहानी को अच्छी तरह जानते हैं और तीन साल लगे मुझे लिखने में, सोचता रहा उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा यार किसी और से भी राय ली जाए और संजय हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं और मैं जानता हूँ इनको कि अगर मैं इनको बोलूँगा ये मुझे सही राय देंगे क्योंकि ये मेरे को पर्सनली जानते हैं। अब करण जौहर साहब ने तो बोल दिया डायरेक्ट कर दो मगर वो हमें इतना पर्सनली नहीं जानते, इतना ये जानते हैं इनको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो मैंने संजय को कहानी सुनाई, मैंने कहा यार अपना रिएक्शन दे ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने तुरंत यही बोला भाई समीर डायरेक्ट कर इसको। मैंने जितनी डिटेल में तूने बताया मैंने पूरी कहानी देख ली, फिल्म देख ली, तो जो मेन कैरेक्टर था वो बिल्कुल हूबहू संजय के लिए सूट करता था, वो हर एक फ्रेम में है। और जब मैं लिख भी रहा था कई तरह के, मेरे को बिल्कुल संजय जैसा ही एक इंसान जो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, सिंपल है मगर कुछ कर भी सकता है, वो एक ऐसा चीज़ चाहिए थी मेरे को। तो मैंने फट बोला, मैंने कहा संजय आप एक्ट करेंगे? हाँ यार करूँगा। तो फिर हम दोनों ने बात की, हमने कहा यार विजन हम आपस में ही रखें, कोई तीसरा आएगा वो बोलेगा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, इनका टेस्ट हमारा टेस्ट बराबर है तो मतलब हम दोनों एक तरह ही सोचते हैं तो हम ही प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि किसी और को लाएं कोई प्रेशर नहीं होगा। वो बोलेगा कि ये आइटम सॉन्ग डाल दो जी, एक फाइट सीक्वेंस डाल दो, मज़ा नहीं आया सनी लियोनी को डाल दो। तो मतलब कोई मुझसे दुश्मनी नहीं है मगर ये वैसी फिल्म नहीं है। तो फिर हम दोनों डायरेक्शन प्रोड्यूस कर गए, तो इरादे नहीं थे
ऐसे बस कारवा बनता रहा। जब समीर लिख रहा था स्क्रिप्ट तो जब जब लिखी और जब इसने मुझसे बात की तो तब इसको लगा कि ये जो किरदार लिखा है इसने और ये मुझे सूट करता है और मैं एक्चुअली असल में कहूँ ये समीर भी प्ले कर सकता था ऑनेस्टली। अगर समीर भी ये शायद इसमें अच्छी तरह नहीं शायद नहीं नहीं वो बड़पन है बट शायद नहीं वो क्योंकि देखिए हम दो हमने ना इकट्ठे एक्टिंग भी की हुई है ठीक है। एक फिल्म थी अलीबाग हमने उसमें एक्टिंग भी की इकट्ठे तो वहाँ भी हमें हमारी टाइमिंग हमारी वो कामराडरी जो बोलते हैं दोस्ती वो मुझे याद है संजय गुप्ता ने कहा यार सीन्स बड़े अच्छे आ रहे हैं सो हमारी एक ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं क्रिएटिव कनेक्ट वो बड़ा अच्छा रहा है। और यहाँ पे जब किरदार इसने लिखा और जब मुझे सुनाया तो पहला सवाल नहीं पहला मेरा कमेंट था कि तू डायरेक्ट करेगा तुरंत एक जवाब में तू एक्ट करेगा। मुझे एक्चुअली उतना सोचने का मैंने कहा यार इतना अच्छा है वुड लव टू मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा मैंने कहा प्रोड्यूस चल करते हैं खुद ही करते हैं तो बस जो तीर निकल पड़ा वो पहुंच ही जाएगा कभी कहीं ना कहीं। देखिए हर एक चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं हर एक जो भी डिटेल हो मतलब अगर संजय कोई डिसीजन ले रहा है वो मुझसे कंफर्म कर लेगा भाई मुझे कुछ है इसमें। अगर मैं कोई बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ मैं संजय से पूछूंगा संजय ठीक है तो वो बड़े बड़े डिसीजन पे और क्योंकि एज आर प्रोडक्शन है संजय का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मुझसे तो वो भी बताएगा कि संजय समीर आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो शेड्यूलिंग संजय का। मेरा बेसिकली ज़्यादा कंट्रोल क्रिएटिव है कि कहानी ठीक दिशा में जा रही है ठीक तरह हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे मेरा बेसिक जो कंट्रोल उस पर है उस पर भी मैं संजय की राय ले लूँगा मैं सबकी लेता हूँ मेरा ओपन है कि मुझे लगता है कहानी जितनी अच्छी तरह निकले क्योंकि हो नहीं सकता कि आप अकेले की सोच बेस्ट है कुछ चीज़ें आपसे चुप भी जाती हैं तो हमारे में अंडरस्टैंडिंग में ये है कि एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। अगर संजय बोलेगा नहीं 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 मैं बोलूँगा हाँ 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 तो जिसका विचार जितना ज़्यादा पैशनेट होगा कहेंगे अगर इतने पैशनेटली बोल रहे तो ज़रूर इसने सोचा होगा वो बेवकूफ़ नहीं है तो दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है कि अगर वो बार बार कुछ बोल रहा है कुछ एडिट भी होगा मैं करूँगा ऐसे संजय को अगर बोला ऐसे 99% सेम रहता है हमारा मगर अगर कहीं लगता है कोई डिफरेंस है तो जो ज़्यादा पैशनेट होगा उस पर चला जाएगा भाई तुम वैसा करो। और वैसे ज़्यादा डायरेक्शन का है तो मतलब वो कैसे क्या डायरेक्ट करेगा इसमें जो समीर ने कहा ना देखिए एक कोई कन्विक्शन होती है किसी की अगर आपको लग रहा है इसकी कन्विक्शन में कुछ है तो आप उसके साथ फिर चले जाते हैं और दूसरे को लग रहा है कन्विक्शन है तो बड़े रीजनेबल रहे हम ओपन फ्रीडम रहा डिस्कशन का ईगो अहंकार का कोई मतलब एक तिनका भी नहीं हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था है अभी भी कि फिल्म जो कहानी है वो निखर के आई और एज अ डायरेक्टर मेरा एक और था कि जो भी काम कर रहा है ये उसका बेस्ट काम रहे कि ताकि अगर अपनी शोरील बना रहा है जो मैं डीओपी है वो इस फिल्म की शोरील दिखाए तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि उनको थोड़ा इंस्पायर करना कि यार तुम अपना बेस्ट दो ताकि तुम रात को जब सो तुम बोलो यार आज मज़ा आया सबको मज़ा आया भाई सब खुश है ना सब खुश हैं साथ काम करेंगे जब ये पॉजिटिविटी रहेगी फिल्म अपने आप अच्छी बनेगी। अगर आप थोड़ा ये करेंगे नुक्ताचीनी करेंगे किसी को पसंद नहीं आता सब खुश रहें अपना बेस्ट दें मौका दिया जाए क्योंकि एंड में जो क्रिएटिव इंसान होता है उसको मौका चाहिए दिखाने के लिए। देखिए कि इस किस्म का सपोर्ट मिले और बहुत बहुत कुछ ऐसे लोगों से जो मतलब मिसाल है उनकी दी जाती है मिस्टर बच्चन हैं सलमान खान हैं करण जौहर है एकता है बाकी अनुपम खेर साहब हैं मनोज वाजपेयी है तो इन सब ने सपोर्ट किया इनका बड़ापन है। और इसमें एक क्या होता है एक आपकी हौसला अफजाई हो जाती है आपके काम की एक
एक उस पे एक एक आशीर्वाद एक दुआ मिल जाती है, तो वो क्योंकि उनकी पहुंच बहुत है तो मार्केटिंग हो ही जाती है, लेकिन उन लोगों ने भी ये हमारी हमारी इज्जत रखी और उन्होंने देख के हाँ ठीक है ये ठीक है, इसको इसको आगे हम डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उन्होंने एक रिलेशनशिप्स को इज्जत दी, उनका बड़ापन है, तो उससे हमें खैर काफ़ी फ़ायदा हुआ। सर आपने सुने नहीं है, हमारी फिल्म में 5 गाने हैं, मतलब और एक से एक बढ़कर हिट सॉन्ग्स हैं, अच्छे सॉन्ग्स हैं जो हिट होंगे। एक हमने सॉन्ग, पहला सॉन्ग है टाइटल ट्रैक माय बर्थडे सॉन्ग जो हमने पहले रिलीज़ किया, उसका 1-2 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स व्यूज़ हुआ चुके हैं यूट्यूब में, ऑर्गेनिक पूरे ऑर्गेनिक, हाँ पूरे ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, कोई खरीदे हुए नहीं है। दूसरा गाना है अजनबी जो हमने दूसरा रिलीज़ किया, जो रिलीज़ पे ही बॉम्बे में ट्रेंड कर रहा था, जबकि हमने उसका मतलब कोई यूट्यूब में उस समय डाला नहीं था, अब वीडियो है मगर किसी टीवी चैनल्स में प्रमोट नहीं किया उसका, फेसबुक पे बहुत हुआ है। तो गाने इसके बहुत ही, इनफैक्ट मुझे अगर डर है तो इस बात का कि जितने गाने अच्छे हैं वो लोगों तक पहुंच जाए, मेरे को और कुछ नहीं है, मेरे को मतलब कि क्योंकि जिन और जो गाने हैं और हमारी फिल्म भी है इसके एक बड़ी यूनिक चीज़ है, मैं पहली बार लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ और को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो हमारे DOP साहब हैं उनकी पहली फिल्म है, जो हमारे एडिटर साहब हैं उनकी दूसरी फिल्म है, 5 में से 3 गाने फर्स्ट टाइमर राइटर्स और कंपोजर ने लिखे हैं, ठीक है, तो सब इतना फ्रेश हैं, हमने सोचा नहीं था कि उस जैसा गाना बनाएंगे वैसा बनाएंगे, वह जो होता है वो करेंगे, हमने अपनी फ्रेश सोच लेके कि यार कैसी फिल्म हम देखना चाहेंगे, और ये उम्मीद करता है कि हम जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में जो पसंद करेंगे, हमने ये सोच के फिल्म नहीं बनाई कि फलां फलां को अच्छी लगने वाली है, लगे यार ये फिल्म कम से कम हमको तो अच्छी लगे ताकि हम अपनी सच्चाई से काम कर पाएंगे। तो म्यूज़िक पे तो मैं जितना बोलूँ कम है मेरे लिए, मैं मतलब म्यूज़िक का दीवाना हूँ और मेरे लिए फिल्म की वन ऑफ द हाइलाइट्स फिल्म म्यूज़िक रहे। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि 19 जनवरी को एक मनोवैज्ञानिक रोमांच साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आ रही है माय बर्थडे सॉन्ग, अगर आप वैसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आपको पूरी एंगेज करे, एंटरटेन करे और आप अपना दिमाग लेके जो एंजॉय कर रहे हैं, ये नहीं कि कई रिव्यूज़ हम पढ़ते हैं कि आप दिमाग बाहर रख के फिल्म देखिए, नहीं, आप अपने दिमाग के साथ ये फिल्म देखिए, आपको ये गारंटी करके दे सकते हैं, देखिए अच्छा लगना बुरा लगना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप फिल्म ये भूलेंगे नहीं और आपको ये बांध के रखेगी फिल्म। मैं भी जो संजय ने बोला उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कुछ अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जितने देश के युवा लोग हैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो एवरेज एज है 25-26 हो गई है, अब जो पहला दौर था एक दौर ख़त्म हो गया, नया दौर चल पड़ा है अभी, हम और जो नए दौर की नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं हमारे साथ कि अरे यार ये क्या बनाते हो तुम लोग, वही पुराना घिसे पिटी कहानियाँ सुना देते हो, या बोलते थे हॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनती है, हॉलीवुड में वैसी फिल्म बनती है, ये है वो है ये है, तो मतलब वो हमारे एक तरह से कई लोग हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा नीची नज़र से देखते हैं, तो मेरा उनसे यही है कि अगर आपको लगता है कि हॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनती है और हम उनसे चोरी करते हैं, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा शायद हमने ऐसी फिल्म बनाई है जो हॉलीवुड हमसे चोरी करे, और हम उन्हें मतलब टक्कर देंगे, छोटी की टक्कर देंगे उनको, आपको किसी भी मामले में अगर ये अंग्रेज़ी में होती, न्यूयॉर्क में होती, तो आपके बड़े से बड़े दिग्गज लोग वहाँ जाते, तो ये हमने घर में बनाई है हिंदुस्तानी में, इसकी कदर कीजिए आप और अपने को किसी से कम ना सोचिए, प्लीज़ देखिए। थैंक यू जी, गुड लक।